टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। बेसिकली चैप्टर एनसीईआरटी से हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 के लिए, ठीक है। जनरली हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी जनरल लाइफ में, ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मटेरियल कुछ तो हमें नेचर से मिल जाते हैं और कुछ मेन मेड होते हैं। एक तो नेचुरल हो गया एंड सेकंड वन होता है मैन मेड, जो ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। नेचुरल में जैसे कि एयर वाटर सॉइल कह दो एक तरीके से आप, ये सारे हमारे नेचुरल हो जाते हैं। वुड हो गया, ये हमें सब नेचर से मिल जाती हैं। लेकिन मैन मेड जो ह्यूमन एफर्ट का यूज़ करके हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमें अगर एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट है तो वो ह्यूमन एफर्ट से बनेगा, ठीक है। अगर हमें सड़क बनवानी है तो वो मैन मेड होगी। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ में नेचुरल होती हैं और कुछ मैन मेड होती हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली नेचर से जो ऑब्टेंड हो जाती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं हमको। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जो ऑब्टेंड होती हैं उनको हम नेचुरल कह सकते हैं। बाकी इसमें देखिए आगे जो हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रिसोर्सेज इसमें टू टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। देखिए जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। और जो एग्जॉस्टिबल होते हैं वो रिसोर्सेज हैं जो एक दिन जो लिमिटेड हैं, आप कह सकते हो इनको जो लिमिटेड है और एक दिन जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना। तो दी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि सनलाइट एंड सेकेंड वन एयर। ये हमारे पास इनके रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं। बाकी जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं वो एक दिन खत्म होने वाले हैं। जैसे कि इसकी अगर बात कर लें, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम इनके रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर आर लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटी से, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके आप कह सकते हो, जैसे फॉरेस्ट कह सकते हो। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें एग्जॉस्टिबल में, फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि आज हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आज खत्म होती जा रही है। मिनरल्स हो गए, मिनरल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, देन कोल हो गया, ये मिनरल्स होते हैं। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी रिसोर्सेज एक दिन खत्म होने वाले हैं, तो इनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे देखिए पहले रिसोर्स की हम बात करेंगे, कोल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कोल एंड पेट्रोलियम, तो पहले हम कोल को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, देखा भी होगा इसके बारे में। कोल कोयला होता है, ये क्या होता है, इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। और कलर में कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, यानी कि जो कोल होता है हार्ड होता है स्टोन की तरह कैसे और ब्लैक होता है वो कलर में। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। देखिए अभी तो खैर देखो चीज़ें, अब तो रिसोर्सेज चेंज हो गए, अब तो हमारे घर में एलपीजी आ गया है, एलपीजी से हम अपना घर में किचन में हमारा यूज़ होता है। बट अगर पुराने समय की बात करें या फिर आज भी कुछ ऐसी जगह की बात करें, कोयले को जो यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है।
तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक द फूड अर्लियर, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन, इनफैक्ट ये रेलवे में भी यूज होता था इंजन में, ठीक है। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, क्योंकि कोयले को जलाया जाता था, जलाने के बाद उससे स्टीम बनती थी और वो इंजन को चलाने में काम आती थी। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां पर हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज,